गुड मॉर्निंग बच्चों, ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कक्षा पहली का हाथी का इलाज यह पाठ देखने वाले हैं। तो मुझे बताओ, हाथी सबने देखा है, जिसे हम इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं, सबने देखा होगा, है ना? तो हाथी आकार में कैसे रहता है, छोटा रहता है या बड़ा रहता है? यस, हाथी बहुत बड़ा रहता है ना? तो हम हाथी का इलाज इस चैप्टर में क्या है ये देखने वाले हैं। अगर देखो हमारे आसपास में कोई पड़ोसी है और वो पड़ोसी अच्छा है, जो सुख दुख में अपने पड़ोसी के मित्र की मदद करता है, तो उसे हम अच्छा कहते हैं। वैसे ही इस पाठ में बताया गया है कि मित्रता इंसानों में नहीं अपितु पशु पक्षियों में भी पाई जाती है। अगर हमें लगता है कि जो मीन्स इंसान में ही सुख दुख बांटने की क्षमता रहती है, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, पशु पक्षियों में भी मित्रता रहती है, उनके भी पास ऐसा ही इलाज रहता है, जो सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। देखो किस तरह से हाथी बीमार पड़ जाता है और उसके सारे दोस्त उसके साथी उनको कैसे मदद करते हैं, ये हम इस पाठ में सीखने वाले हैं। और इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है ये भी हम देखने वाले हैं। तो चलो, चंपक वन में सभी जानवर हाथी की तबीयत खराब होने से दुखी है। एक बार क्या हो गया, चंपक वन जंगल में, चंपक वन में एक बार एक हाथी बीमार पड़ गया और उसको बीमार सुनकर सभी पशु पक्षी प्राणी दुखी हो गए। हाथी, देखो हाथी क्या बोलता है, ओ मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरी आंखों में जलन हो रही है और मुझे सुस्ती भी आ रही है, मैं क्या करूं? हाथी तो बीमार है और उसको क्या हो गया, सर दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब भी हमारी भी तबीयत खराब होती है तो हम क्या करते हैं, गुमसुम सा बैठते हैं, किसी से बात नहीं करने लगता, क्या करे ना क्या ना करे ऐसे लगता है ना? तो हाथी की मदद कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सभी जानवर एक सभा करते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ तक कौन बीमार है, हाथी। अभी देखो उनके दोस्त हाथी को हाथी का इलाज कैसे करते हैं ये देखने वाले। गाय बोलती है, हमारा दोस्त बीमार है, वह उदास है। गाय बोलती है, हमारा दोस्त बीमार है, वह उदास है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो चिड़िया बोलती है, मैं हाथी के लिए फूल लाती हूँ, फूलों की खुशबू से उसे अच्छा लगेगा। चिड़िया ने फूल लाकर हाथी को दिया, हाथी ने फूल खुशबू ली और खुशबू लेते ही उसे अच्छा लगने लगा। देखो अभी सब प्राणी पशु अपने अपने तरीके से हाथी को खुश करने के लिए प्रयत्न कर ले। चिड़िया ने क्या किया, एक फूल लाया, फूल को हम भी फूल देखो तो बहुत हमें भी दिल हमारा बहक जाता है, अच्छा महसूस होता है। देखो तितली दिखाई दे रही है ना, तो तितली ने क्या किया, तितली कहती है, मैं हाथी के लिए फूलों का रस लेकर आती हूँ। तितली का फेवरेट खाना है फूलों का रस। अभी तितली कहती है कि मैं हाथी के लिए फूलों का रस लेकर आती हूँ। तितली उड़कर गई और हाथी के लिए फूलों का रस चूस कर ले आई। फूलों के रस को पीते ही हाथी के सिर दर्द कम होने लगा है। गाय बोलती है, अभी गाय क्या, मैं दूध लेकर आती हूँ, दूध पीकर हाथी ताकत हो जाएगा। गाय खुद ही दूध देती है, तो गाय बोलती है, अभी मैं हाथी के लिए दूध लेकर आती हूँ, दूध पीकर हाथी तंदुरुस्त बन जाएगा। दूध पीते ही इंसान भी तंदुरुस्त बनता है, हाँ आपको भी दूध पीना चाहिए। अभी देखो गाय दूध लेकर आई, दूध पीते ही हाथी के अंदर फुर्ती आने लगी। हाँ, मधुमक्खी कहती, मैं शहद लेकर आती हूँ, शहद पीकर हाथी की सेहत अच्छी हो जाएगी, शहद भी अच्छा इलाज है ना? मधुमक्खी शहद लेकर आती है। हाथी ने धीरे धीरे शहद पिया, शहद पीते ही हाथी को ताजगी महसूस होने लगती है।
हाथी बोलता है, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मैं उछल कूद भी कर सकता हूँ। जीरा बोलता है, यह बहुत खुशी की बात है कि हमारा दोस्त हाथी ठीक हो गया है। कि फिर हाथी ठीक होने से सभी जानवर खुश हो गए, खुशी के मारे उछ कुदलने लगे, घूमने लगे, फिरने लगे। देखो जैसे इंसानों में मदद करने की भावना रहती है, वैसे पशु पक्षियों में भी वो भावना रहती है। फिर सिर्फ हमें समझना चाहिए और हमें भी ऐसे ही अपने दोस्त को मदद करना है, दोस्त के साथ रहना है, दोस्त के सुख दुख को बांटना है। समझ में आए? चलो नेक्स्ट पीरियड में हम इसके कुछ पर्यायवाचक शब्द लिखेंगे।